हाय गाइस, सो दिस इज दिवाली डे टू। तो चलिए करते हैं एक लेट्स गेट रेडी विथ मी फॉर दिवाली। तो पहले हम इसको टाइप कर लेते हैं तो फिर इजी हो जाएगा करना। तो मैं पहले मेकअप नहीं करती थी, अभी करती हूँ तो, लेकिन बहुत मिनिमल करती हूँ मैं, एकदम मतलब लाइट मेकअप रखती हूँ। इवन मैं फाउंडेशन भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं लैक्मे का 9 to 5 बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, सॉरी सीसी क्रीम यूज़ करती हूँ। तो नहा के आई हूँ तो अभी थोड़ा क्रीम लगा लेते हैं। हो गया है, अभी लगाऊंगी लैक्मे का आइकॉनिक काजल। सो मैं मस्कारा नहीं लगाती हूँ, नहीं लगाने का एक ही रीज़न है, मतलब पहले लगाती थी फिर बहुत मतलब आईलैशेस फॉल होते थे तो इसलिए डर के मारे नहीं लगाती हूँ, और उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ता है क्योंकि वैसे लंबे है। तो मुझे अपना मेकअप करना आता नहीं है, कभी मतलब सीखा नहीं, देखा है बहुत लेकिन सीखा नहीं। तो मुझे अपना नहीं पता कि पहले क्या लगाते हैं या बाद में क्या लगाते हैं, क्योंकि उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था, अभी भी इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर भी मतलब मेरे पास कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स था ही नहीं पहले, फिर सोचा कि ठीक है चलो थोड़ा थोड़ा करके कलेक्शन करके रखते मिनिमल मेकअप के लिए, जो एकदम मिनिमल लुक होगा, उतना हेवी मेकअप नहीं। हेवी मेकअप मुझे पसंद भी नहीं है, तो मुझे मतलब जो पहले दिखता है, जैसे कि आईलाइनर पहले दिख गया तो मैं आईलाइनर लगा लूँगी। तो फाउंडेशन तो लगाती नहीं हूँ और लगाऊंगी भी नहीं शायद कभी। तो जैसे काजल पहले दिख गया तो काजल लगा लूँगी। तो अभी मुझे आई शेडो पहले दिख गया तो आई शेडो लगा लूँगी। वैसे ये आई शेडो पैलेट मेरा नहीं है, ये मेरे रूममेट का है तानिया का, तो वो अभी नहीं है, वो घर गई है दिवाली के लिए, तो मैंने उसे उधार लिया है ये आई शेडो पैलेट। तो मैं इधर से ये वाला लगाऊंगी, ये वाला, ये पता क्या कहते हैं उसको, जस्ट हल्का सा लगाऊंगी। तो बहुत हल्का सा लगाया और मुझे पता भी नहीं कि ठीक लगाया है कि नहीं। तो अब बारी है लिपस्टिक का। तो माइग्लैम का ये मेरा पहला लिपस्टिक है, तो बहुत दिन से ऐड देख रही थी माइग्लैम का, तो कभी लिया नहीं, यूज़ किया है कभी लिया नहीं था, लेकिन हाँ पता था पहले से कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरी जो सिस है तो वो लगाती है माइग्लैम का और मेरी मम्मी भी लगाती है, तो सोचा कि एक ले ही लेते हैं। और थैंकफुली मुझे ये सिर्फ 99 रुपीज़ में मिला है, 395 का था तो कूपन दे के। तो ओके, सो सबसे पहले लिप लाइनर लगाएंगे, जो मैं भूल जाती हूँ क्योंकि आदत नहीं है लिप लाइनर लगाने का। तो
तो ये जस्ट लोकल शॉप से खरीदा था मैंने लिप लाइनर, शेड मुझे नहीं पता है, कुछ मैट लिप लाइनर लिखा है। ओके, शेड 1 रूबी रेड। मैं बार बार कैमरा में देख के लगा नहीं सकती हूँ। लिप लाइनर लगा लिया है, अभी लिपस्टिक। तो ये शेड बहुत ही मतलब प्यारा है, बहुत ही सुंदर शेड है और सब मतलब हर कोई ड्रेस के साथ ही चला जाता है ये शेड। देखिए ये शेड बहुत ही सुंदर है। तो अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके उधर से खरीद सकते हैं। तो अभी थोड़ा लगाऊंगी थोड़ा सा ब्लश। वैसे ब्लश मुझे ना पसंद नहीं है, फिर भी थोड़ा सा लगाऊंगी। और मेरे पास मेकअप ब्रशेस नहीं है, सो मैं हाथ से लगा रही हूँ और शायद मैं खरीदूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं सच बोलूँ तो उतना मेकअप करती नहीं हूँ। मतलब एकदम ओकेशन में करती हूँ, और बर्थडे पार्टी, कोई फेस्टिवल, कोई ओकेशन, कोई फैमिली ओकेशन, ये सब मैं करती हूँ। वैसे नहीं करती हूँ मैं बाहर जाने से मेकअप, जस्ट कभी आईलाइनर या तो कभी लिपस्टिक लगा लिया। आईलाइनर लगाया तो लिपस्टिक नहीं लगाया और लिपस्टिक लगाया तो आईलाइनर नहीं लगाया, ऐसा ही करती हूँ मैं। तो मुझे जितना मालूम है ब्लश चीक बोन पे ही लगाते हैं, तो थोड़ा सा लगा लिया, थोड़ा नोज पे भी। तो पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, पर दैट्स ओके। तो अभी लगाऊंगी हाइलाइटर। तो हाइलाइटर मेरा है इनसाइड का, तो मैंने ये पर्पल से लिया था, पर्पल का ऐप से, और ये बहुत ही क्रीमी हाइलाइटर है, उतना मतलब पाउडरी नहीं है। तो थोड़ा सा हाइलाइटर भी लगा लेते हैं, थोड़ा सा लगाएंगे। तो सच बोलूँ तो मुझे ये हाइलाइटर पहले बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादा पिगमेंटेड लगता है मुझे ये। तो शायद बाद में एक हाउडी जो मतलब पाउडर हाइलाइटर है वो खरीद सकती हूँ मैं। सो मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो ये बहुत ही मिनिमल लुक है, मतलब मैं ऐसा ही लुक क्रिएट करती हूँ। तो मेकअप पहले भी किया है, लेकिन मतलब पहले बोलने का मतलब यही है कि फर्स्ट मेकअप मैंने किया तानिया का बर्थडे में, तो मतलब बर्थडे पार्टी था तो तब किया था। तो ये मेरा ही शायद फोर्थ मेकअप लुक है। दुर्गा पूजा में भी किया है, लेकिन दिया नहीं था मैंने। तो मेकअप तो हो गया मेरा, तो अभी ड्रेस का बारी है। तो ड्रेस के लिए मैंने ऑनलाइन से ये कुर्ती लाया था फ्लिपकार्ट से, ये वाला, तो इसे पहन लेती हूँ मैं। तो ये कुर्ती ऐसा है कुछ दिखने में, है लेगिंग्स सिंपल वाला, ऐसा कॉटन का, कॉटन ब्लेंड, और
इसके साथ लूंगी मैं एक चुन्नी, और इसके साथ मैं लूंगी ये वाला चुन्नी जो कि बहुत ही सुंदर है। तो मैं चुन्नी बाद में लूंगी, पहले मैं हेयर्स कर लेती हूँ जो कि मैं भूल गई थी। तो हेयर्स के लिए मैं वैसे कुछ नहीं करूंगी, तो सोच रही ऐसे ही जस्ट कॉम कर लूँ और साइड में कर लेती हूँ। तो हेयर्स मेरा ऐसा ही रहेगा, सेट है। और इयररिंग्स के लिए मैं ये बॉक्स ले आई हूँ, मतलब मेरी मम्मी का था लेकिन मम्मी से मैंने ले लिया है, मम्मी को उतना ज़रूरत नहीं था इसलिए। तो कौन सा झुमका पहनूंगी, वही बात था। दिस वन गोइंग विद दिस कुर्ती, सो शायद ये पहनूँ या कोई और। ये तो कुछ सिल्वर ऑक्सीडाइज नहीं है, और वैसे ये मम्मी का ही था, मैंने ही ले लिया। तो इसमें कुछ ऐसा है मेरून टाइप का, और सिल्वर में ये भी है। सो मैं चूज़ करके आती हूँ कौन सा पहनूंगी। सो ये तो पहले ही चूज़ किया था और ये अभी चूज़ किया है, तो मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिपस्टिक के साथ भी मैच हो रहा है, तो सोच रही हूँ ये ही पहनूँ। तो यही पहनूँगी मैं, क्योंकि गले में कुछ नहीं पहना है मैंने, तो इयररिंग्स हैवी होने से अच्छे लग रहे हैं। तो ये वाला इयररिंग्स मैच हो रहा है, और हाथों में कुछ नहीं पहनूंगी, सिर्फ एक। वैसे मेरे हाथ में कड़ा है, सोच के खोल लूँ ये कड़ा। तो ये वाला पहनूंगी, और लास्ट में है बिंदी, क्योंकि बिंदी के बिना इनकम्प्लीट है सारा लुक। सो या दैट्स माय दिवाली लुक। सो आप सभी को कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा। चुन्नी लेना मैं नहीं भूलूंगी, चुन्नी भी ले लेती हूँ। सो या दैट्स माय दिवाली लुक। तो ये है मेरा दिवाली का लुक। तो अगर आप सभी को इस कुर्ती का लिंक चाहिए तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और इस चुन्नी का भी चाहिए तो दे दूंगी। वैसे ये चुन्नी इस कुर्ती के साथ नहीं था, ये कुछ अलग ही कुर्ती के साथ था जो मैंने ऑनलाइन से लिया था मीशो से, तो फिर भी मैं लिंक दे दूंगी। और बाकी मेकअप का भी मैं अगर मिले तो लिंक दे दूंगी, और इयररिंग्स का नहीं दे सकती क्योंकि मम्मी का है। और प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेगा कि मेकअप लुक कैसा लगा। चुन्नी बार बार गिर रहा है, शायद पिन करना पड़ेगा। और नीचे एक लाल सब्सक्राइब का बटन है, वो भी प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। ओह गॉड, ये चुन्नी। सो सभी को हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाएं और बी सेफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो यही था मेरा लुक, कुछ
GRWM बोलते हैं इसे, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो यही था, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही कंटेंट देती रहूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।